का था जिसका नाम था अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, जिसके राइटर थे जवाहरलाल नेहरू, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू। तो पिछले वीडियो में मैंने इस लेसन का फर्स्ट पेज तक का एक्सप्लेनेशन बता दिया था, हिंदी में समझा दिया था। आज हम उससे आगे के जो पेजेस हैं कंप्लीट लेसन को पूरा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सेकंड पेज से। आप अपनी बुक ओपन कर कर बैठें ताकि आपको ठीक से समझ में आए। तो ये जो फर्स्ट पेज है ये हमने कल के वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। अब सेकंड पेज से हम स्टार्ट करते हैं आज। तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, इफ यू गो टू अदर कंट्रीज आई शैल नॉट नेम देम एज आई डू नॉट विश टू कॉज ऑफेंस, यू विल फाइंड द पीपल देयर थिंक दैट देयर कंट्री इज द चूजन कंट्री, द टॉर्च बेरर ऑफ सिविलाइजेशन, द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री, द मोस्ट रेवोल्यूशनरी कंट्री, द कंट्री विद द बिगेस्ट बिल्डिंग्स, द कंट्री विद समथिंग यूनिक, सम मिशन और द अदर। इट इज़ नेचुरल फॉर वन टू लाइक वंस ओन कंट्री एंड वंस ओन पीपल, इट वुड बी अननेचुरल नॉट टू डू सो, इट इज़ गुड टू बी ए लिटिल प्राउड ऑफ वंस ओन कंट्री, बट इट इज़ रॉन्ग टू स्टार्ट इमेजिनिंग दैट वी आर द हाइएस्ट एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड। द फैक्ट इज़ दैट एवरी कंट्री एंड एवरी पीपल हैव एडमायरेबल पॉइंट्स अबाउट देम, दे हैव ग्रेट अचीवमेंट्स टू देयर क्रेडिट एंड दे हैव ऑल्सो बैड पीरियड्स इन देयर हिस्ट्री। दिस अप्लाइज नॉट टू कंट्रीज ओनली बट टू इंडिविजुअल्स ऑल्सो, nobody is perfect, he has weakness and failings, nobody is thoroughly bad either, we are all mixtures of good and evil, what we should try to further the good in ourselves and in others। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसका मैं हिंदी मीनिंग समझा देता हूँ। यदि आप अन्य देशों में जाएं तो मैं उन देशों का नाम नहीं लूँगा, मतलब ये पंडित नेहरू वहाँ पर लेक्चर दे रहे थे इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में, तो उस भाषण का ये अंश है। तो वो स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि यदि आप अन्य देशों में जाएँ मैं उन देशों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनका अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। आप वहाँ पाएंगे कि लोग सोचते हैं कि उनका देश है चुना हुआ ईश्वर द्वारा या प्रकृति द्वारा सभ्यता के ध्वजवाहक या पथ प्रदर्शक, सबसे प्रगतिशील देश, सबसे क्रांतिकारी बदलावों का देश, सबसे बड़ी ऊंची इमारतों का देश, और ऐसा देश जिसमें कुछ विशेष बात है, जिसका कुछ ध्येय या मिशन है, कोई लक्ष्य है। किसी के लिए भी अपने देश और उसके लोगों को पसंद करना स्वाभाविक है, परंतु यह सोचना कि हम सबसे उच्च सबसे श्रेष्ठ हैं गलत हैं। सच्चाई यह है कि सभी देशों में सभी लोगों में कुछ न कुछ प्रशंसनीय बात होती है, महान उपलब्धियां होती हैं एवं बुरा समय भी होता है उनके इतिहास में, और यह सिर्फ देशों पर ही लागू नहीं होता बल्कि व्यक्तियों पर भी। कोई भी दोषहीन परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कमजोरियां एवं कमियां होती हैं। कोई भी पूरी तरह से बुरा भी नहीं होता, हम सभी अच्छाई व बुराई का मिश्रण हैं, परंतु हमारी कोशिश अपनी और अपने लोगों की अच्छाइयों को बढ़ाने की होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है। सेकेंड पैराग्राफ है, मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली डिड नॉट सी गांधी जी एट क्लोज क्वार्टर्स, ही हैड अमेजिंग क्वालिटीज, वन ऑफ दिस क्वालिटी वॉज दैट ही मैनेज टू ड्रॉ आउट द गुड इन अनदर पर्सन, द अदर पर्सन मे हैव हैड प्लेंटी ऑफ ईविल इन हिम,
But he somehow spotted the good and laid emphasis on that good. The result was that the poor man had to try to be good. He could not help it. He would feel a little ashamed when he did something wrong. आप में से ज़्यादातर लोगों ने गांधी जी को पास से नहीं देखा है। उनमें गजब की खूबियाँ थीं। ऐसी ही एक उनकी खूबी थी कि वे किसी दूसरे के भीतर से उसकी अच्छाई को बाहर निकाल लाते थे। दूसरे में बेशक बहुत सी बुराइयाँ होंगी, परंतु गांधी जी किसी न किसी प्रकार उसकी अच्छाई को पहचान लेते थे और फिर उसी को महत्व देते थे। परिणाम यह होता था कि दूसरे को अच्छा होने का प्रयत्न करना ही पड़ता था। उसके पास और कोई चारा नहीं होता था। कुछ गलत कर देने पर शर्मिंदा भी होता था। थर्ड पैराग्राफ है, पीपल हु ऑलवेज सीक ईविल इन अदर्स फाइंड इट। दिस अप्लाइज टू नेशंस एज वेल एज इंडिविजुअल्स। गो टू ए फॉरेन कंट्री, यू आर लाइकली टू फाइंड मैनी थिंग्स दैट यू डू नॉट लाइक। आर यू गोइंग टू स्पेंड योर टाइम फाइंडिंग आउट द ईविल इन अदर कंट्रीज और rather in finding out the good in them and profiting yourself and others by your contact. जो लोग हमेशा दूसरों में बुराइयाँ ढूंढते रहते हैं, उन्हें बुराई मिल जाती है। यह देशों व व्यक्तियों दोनों पर लागू होता है। किसी दूसरे देश में जाइए, आपको वहाँ अनेक ऐसी चीज़ें मिलने की संभावना है जो आपको पसंद नहीं आएंगी। क्या आप अपना समय यह जानने में लगाएंगे वहाँ की बुराइयाँ क्या हैं, अथवा यह पता लगाने में कि वहाँ क्या अच्छाइयाँ हैं, और स्वयं भी लाभान्वित हों और अन्य को भी लाभ पहुँचाएँ जो आपके संपर्क में आए। नेक्स्ट है, वी आर ऑल मच टू अप टू लुक एट द ईविल इन अदर इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज रेदर देन द गुड। परहैप्स सम ऑफ यू नो द सेइंग इन द बाइबल अबाउट द पर्सन हु कुड नॉट सी द बीम इन हिज ओन आई एंड शॉ द मोट इन द अदर्स आई। आई एम सॉरी इफ यू थिंक आई एम रैम्बलिंग, बट दिस इज आई माइट इन्फॉर्म यू इन सीक्रेट ए वेरी क्लेवर अटेम्प्ट टू गेट बिहाइंड योर माइंड। I am at least being frank with you. हम दूसरे व्यक्तियों और देशों की बुराइयां ढूंढने में कुछ अधिक ही योग्य हैं बजाय उनकी अच्छाइयों को। शायद आप में से कुछ बाइबल की उस उक्ति, उस कहावत के बारे में जानते होंगे, उस व्यक्ति के बारे में जो अपने नेत्रों में सहतीर नहीं देख पाता है, परंतु दूसरे की आँख में पड़ा धूल का कण उसे दिखाई दे जाता है। मुझे क्षमा करना यदि आपको लगे कि मैं अनर्गल प्रलाप कर रहा हूँ। अनर्गल मतलब फालतू बात कर रहा हूँ, परंतु मैं आपको गुप्त रूप से जानकारी दे दूँ कि यह आपके मन में झांकने का एक चतुर प्रयास है। मैं कम से कम आपसे स्पष्ट तो कह रहा हूँ। नेक्स्ट है, हैविंग गॉट द लार्जर फ्रेम आई लुक्ड मोर क्लोजली एट माई ओन कंट्री एंड रॉट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन इट आई कंसनट्रेटेड ऑन माई कंट्रीज पास्ट एंड द स्टोरी ऑफ इट्स डेवलपमेंट। इसका अर्थ हुआ, बृहद सोच रखने के कारण मैंने अपने देश का ही बहुत बारीकी से अध्ययन किया और भारत की खोज पुस्तक लिखी। इसमें मैंने अपनी कलम को अपने देश के इतिहास एवं उसके विकास की कहानी पर केंद्रित किया। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू हाउ माई थिंकिंग डेवलप्ड इन दीज मैटर्स। द मोर आई थॉट एंड द मोर आई लर्न द मोर आई सो हाउ लिटिल आई न्यू एंड हाउ मच मोर देयर वॉज टू लर्न। One of my regrets today is that I have no time to pursue these studies properly by reading or thinking or writing, because writing for me is essentially an aid to thinking. In trying to write, one has to think more concisely than otherwise.
इसका मीनिंग है कि मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इन मामलों में मेरी सोच कैसे विकसित हुई। जितना अधिक मैंने सोचा उतना ही अधिक मैंने जाना और उतना ही अधिक मैंने देखा कि मैं कितना कम जानता था और कितना कुछ है जानने के लिए। आज मेरा एक खेद इस बात को लेकर है, खेद मीन्स दुख, इस बात को लेकर है कि मेरे पास अब समय नहीं है इन खोजों को ठीक से जारी रखने का, पठन मनन एवं लेखन द्वारा, क्योंकि मेरे लिए लेखन असल में मनन की सहायक है। लिखते समय व्यक्ति को कहीं अधिक स्पष्ट रूप से सोचना पड़ता है। नेक्स्ट पेज पर चले, पेज नंबर 3। आई सपोज आई मस्ट नॉट कंप्लेन ऑफ माई प्रेजेंट लॉट। वट आई वुड लाइक यू टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल इज टू थिंक। Thinking is something which does not come automatically to a person. Gossiping with a neighbor is not thought. If you repeat something which somebody else has said, it is not thought. I do not expect all of you to become mighty thinkers, though some of you may, but I would like all of you to think and to develop the art of thinking. मुझे लगता है कि अपने भाग्य पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। मैं सर्वप्रथम आप सब लोगों से यह अपेक्षा करता हूँ कि आप विचार करें, मनन करें। विचार करने, मनन करने की कला किसी में स्वाभाविक रूप से विद्यमान नहीं होती। पड़ोसी से गपशप सोचना विचारना नहीं है। यदि आप किसी की कही हुई बात दोहराते हैं तो यह विचार नहीं है। मैं आप सब लोगों से प्रकांड विचारक बनने की अपेक्षा नहीं करता, मतलब बहुत बड़े विचारक। हालांकि आप में से कुछ हो भी जाएंगे, परंतु मैं यह चाहूँगा कि आप सब सोचें, विचारें और विचार करने की कला विकसित करें। नेक्स्ट है, नथिंग इज मोर Nothing is more helpful to thinking than reading. That is, reading intelligently, because thereby you get other people's thought, and by weighing them you can think yourself. I have often said that it is very unfortunate that people think and read so little nowadays, especially in India. I do not call newspaper reading, but any reading which makes you think is useful reading. Even if it is a very good novel, great novels always make one think, because they are pictures of life painted by great minds. इसका अर्थ है, इस कार्य में पठन से अधिक, मतलब पढ़ने से अधिक कुछ भी सहायक नहीं है, अर्थात बुद्धिमत्तापूर्ण पठन। क्योंकि पढ़ने से ही आपको दूसरों के विचार पता चलते हैं और उनको तौलकर आप स्वयं सोच सकते हैं। मैंने यह अक्सर कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल लोग इतना कम सोचते हैं और पढ़ते हैं, विशेषकर भारत में। मैं अखबार पढ़ने को पढ़ना नहीं मानता, परंतु कोई भी पठन जो आपको सोचने पर मजबूर करे उपयोगी पढ़ाई है। यहाँ तक कि कोई अच्छा उपन्यास भी, श्रेष्ठ उपन्यास हमेशा व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि ये श्रेष्ठ मस्तिष्कों द्वारा चित्रित जीवन के चित्र हैं। नेक्स्ट है, इफ़ यू थिंक अबाउट द 5-year प्लान्स यू विल फाइंड व्हाट अ वाइटल पार्ट द इंजीनियर प्लेज इन देम। वी शैल रिक्वायर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ओवरसीयर्स, मैकेनिक्स एंड अदर टेक्नीशियंस फॉर आवर प्लान्स। द होल वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर ए वर्ल्ड ऑफ ट्रेन पीपल। दे नीड टू बी ट्रेन इन टू वेज,
दे मस्ट बी ट्रेन इन माइंड एंड हैव सम विजन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड पिक्चर. देन दे मस्ट बी ट्रेन इन पर्टिकुलर जॉब्स विच दे कैन डू वेल, whether it be science or engineering or medicine or education, such are the skills which will build India. इसका हिंदी में अर्थ है कि यदि आप पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में सोचें, आप पाएंगे कि इंजीनियर इनमें कितना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं. हमारे हजारों की संख्या में इंजीनियरों की आवश्यकता होगी, लाखों में निरीक्षकों की, मैकेनिकों की, तकनीशियनों की, हमारी इन योजनाओं के लिए. पूरा विश्व अधिक से अधिक प्रशिक्षित लोगों का विश्व बनता जा रहा है. उनको दो प्रकार से प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है. उन्हें मानसिक रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि उनमें दूरदर्शिता का विकास हो एवं बदलते विश्व परिदृश्य के प्रति सचेत हों. फिर उनको कार्य विशेष के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो वे बेहतर कर सकते हों. मसलन उदाहरण के लिए विज्ञान या अभियांत्रिकी या चिकित्सा या शिक्षा. इसी प्रकार के कौशलों से भारत का निर्माण होगा. नेक्स्ट है, फ्रेंकली द जॉब ऑफ द पॉलिटिशियन विल नॉट बिल्ड इंडिया. ऑल्दो आई स्पीक एज ए पॉलिटिशियन इज ए यूजफुल पर्सन इन हिज ऑन वे, दो इट इज कंसीवेबल दैट इन ए परफेक्ट सोसाइटी द पॉलिटिशियन विल फेड अवे, बट इट इज़ नॉट कंसीवेबल दैट द एक्सपर्ट्स विल फेड अवे. देयर विल ऑलवेज बी नीड फॉर द इंजीनियर एंड द साइंटिस्ट. दे कैनॉट फेड अवे इवन इफ द पॉलिटिशियन मे फेड अवे. हाउ एवर आई डू नॉट थिंक द टाइम इज नियर वेन द पॉलिटिशियन विल फेड अवे. स्पष्ट रूप से कहूँ तो राजनीतिज्ञों के कार्यों से भारत का निर्माण नहीं होगा. हालांकि मैं यह बात एक राजनीतिज्ञ के रूप में कह रहा हूँ. राजनीतिज्ञ अपने आप में एक उपयोगी व्यक्ति होता है. हालांकि यह भी कल्पनीय है कि एक परिपूर्ण समाज में राजनीतिज्ञ लुप्त हो जाएगा, परंतु यह कल्पनीय नहीं कि हम के अलग अलग विधाओं के विशेषज्ञ लुप्त हो जाएंगे. अभियंताओं और वैज्ञानिकों की आवश्यकता हमेशा रहेगी, वे लुप्त नहीं होंगे. चाहे राजनीतिज्ञ एक बार को लुप्त हो जाएं, फिर भी मैं नहीं सोचता कि राजनीतिज्ञों के लुप्त होने का समय निकट है. नेक्स्ट है, यू आर यंग, आई शुड लाइक यू टू हैव द प्राइड ऑफ यूथ एंड द एम्बिशन ऑफ यूथ टू डू समथिंग वर्थ वाइल एंड बिग. All of you may not be geniuses, but some of you might yet do worthwhile things in some department of human activity or the other. I do not like people who have no pride and ambition and are just sloppy people. इसका अर्थ है कि तुम युवा हो, मैं यह चाहता हूँ कि तुम में युवावस्था का अभिमान हो और महत्वाकांक्षा हो कुछ बड़ा कुछ महत्वपूर्ण करने की. तुम में से सभी अपूर्व प्रतिभाशाली तो शायद नहीं हो, परंतु तुम में से कुछ लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं किसी क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण हो. मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जिनमें ना अभिमान हो ना महत्वाकांक्षा हो एवं जो कि आलसी हों. नेक्स्ट है, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड्स प्राइड एंड एम्बिशन इन स्मॉल पर्सनल सेंस. आई डू नॉट मीन द प्राइड ऑफ गेटिंग मनी विच इज़ द सिलीएस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्राइड. प्राइड शुड कंसिस्ट इन डूइंग योर जॉब इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. इफ यू आर ए साइंटिस्ट, थिंक ऑफ बिकमिंग एन आइंस्टीन, नॉट मियरली ए रीडर इन योर यूनिवर्सिटी. If you are a medical man, think of some discovery which will bring healing to the human race. If you are an engineer, aim at some new invention. The mere act of aiming at something big makes you big. इसका अर्थ हुआ, इन शब्दों अभिमान एवं महत्वाकांक्षा का प्रयोग किसी छोटी निजी इच्छा के संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ या धन के.
अभिमान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि सबसे मूर्खतापूर्ण अभिमान है। अभिमान अपने कार्य को सबसे अच्छे ढंग से निष्पादित करने का होना चाहिए। यदि तुम एक वैज्ञानिक हो तो अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा बनने की सोचो, ना कि केवल अपने विश्वविद्यालय के लेक्चरर भर। यदि तुम चिकित्सा के क्षेत्र में हो तो ऐसी कोई खोज करने का सोचो जिससे मनुष्य जाति का भला हो, रोग या रोगों का उपचार हो। यदि तुम इंजीनियर हो तो किसी नए आविष्कार को अपना लक्ष्य बनाओ। सिर्फ अपना लक्ष्य बड़ा करने की क्रिया मात्र ही तुम्हें बड़ा बना देती है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इफ माई कलीग्स एंड आई एंड अदर्स हु फंक्शन ऑन द पब्लिक स्टेज टुडे अपीयर बिग लीडर्स टू यू, लुक बैक ऑन हाउ वी बिकेम सो। वी मे हैव हैड सम वर्च्यू एंड सम एबिलिटी, बट एसेंशियली वी बिकेम वाट वी वेयर बिकॉज वी हैड सम एम्बिशन एंड प्राइड, बिकॉज वी हिज्ड अवर वैगन टू ए स्टार, बिकॉज वी ट्राइड टू डू विग थिंग्स एंड इन सो ट्राइंग अवर स्टैचर इंक्रीज्ड ए लिटिल। इसका अर्थ हुआ, यदि मेरे सहयोगी, सहकर्मी और मैं व अन्य जो आज सार्वजनिक मंच पर कार्य कर रहे हैं तुम्हें बड़े नेता प्रतीत होते हैं, तो थोड़ा पीछे नज़र डालो कि हम ऐसे कैसे बने। हम सब में कुछ गुण एवं क्षमताएं तो रही होंगी, परंतु हकीकत में हम ऐसे बन पाए क्योंकि हमारे भीतर कुछ अभिमान था, कुछ महत्वाकांक्षाएँ थीं, क्योंकि हम सफलता प्राप्त करने हेतु सफल लोगों के संपर्क में रहे, क्योंकि हमने बड़े कार्य करने के प्रयास किए और इस कोशिश में हमारा कद थोड़ा बढ़ गया। इट इज़ नॉट वाट यू से दैट मैटर्स, बट वाट यू डू। थिंक देयरफॉर ऑफ द वास्ट अपॉर्चुनिटीज दैट द वर्ल्ड ऑफर्स टू दोज हु आर कीन ऑफ माइंड, स्ट्रांग ऑफ कैरेक्टर एंड फ्लीट ऑफ फुट। थिंक ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट इंडिया ऑफर्स। आई नो better than you of the difficult problems of India, the suffering and misery of numberless people. We are trying to meet these problems and solve them not by magic but by strong will and hard work. महत्व तुम जो कहते हो उसका नहीं, बल्कि तुम जो करते हो उसका है। इसलिए उन असंख्य अवसरों के बारे में सोचो जो यह दुनिया तुम्हें प्रदान करती है, उनको जो तीव्र बुद्धि के हैं, दृढ़ चरित्र के हैं और चपल हैं। भारत में जो अवसर हैं उनके बारे में सोचो। मैं भारत की मुश्किल समस्याओं और अनगिनत लोगों की पीड़ाओं और दुर्भाग्य को तुमसे बेहतर जानता हूँ। हम लोग उन समस्याओं का सामना करने की व उनका निदान करने की कोशिश कर रहे हैं, जादू से नहीं। ये किसी जादू से नहीं होगा, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति व कठोर परिश्रम से होगा। देर इज नो मैजिक इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट द ऑकेजनल मैजिक ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड द ह्यूमन माइंड। इट टेक्स टाइम एंड परसीवियरेंस टू डू बिग थिंग्स। इट विल नॉट डू टू बी फेंट हार्टेड। One meets with failure occasionally, but one has yet to go on. Success does not come suddenly or without setbacks. So you have these great opportunities in India. Prepare yourself for them. Grow strong in mind and body. Have that inner urge to do big things, and I have no doubt that you will do big things. यदा कदा मतलब कभी कभार दिखने वाले मानव व्यक्तित्व और मानव मस्तिष्क के जादू के अलावा अन्य कोई जादू नहीं है दुनिया में। बड़े कार्य करने में समय, धीरज व दृढ़ता की जरूरत होती है। कमज़ोर दिल व कम इच्छा शक्ति होने से काम नहीं चलता। बीच बीच में असफलता भी मिलती है, परंतु हमें निरंतर आगे बढ़ना होता है। सफलता अचानक नहीं मिल जाती, ना बिना बाधाओं के। तो तुम्हारे पास यह महान अवसर है भारत में। स्वयं को इसके लिए तैयार करो, मन व शरीर से मजबूत बनो, अपने भीतर बड़े कार्य करने की तीव्र इच्छा रखो, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम बड़े बड़े कार्य करोगे। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन आज कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट पैराग्राफ था।
तो आपसे यही मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को और दो तीन बार देखें, क्योंकि बड़ा वीडियो है, थोड़ा टफ है, बार बार आप देखेंगे तो आपको ठीक से फिर समझ में आने लगेगा। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स और जान पहचान वालों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ते हैं तो मैं आपको फ्री लाइव ऑनलाइन क्लासेस दे पाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करवाऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल।